आज से 48 साल पहले बॉलीवुड की एक हीरोइन जो सीन हिंदी फिल्मों में कर रही वैसे सीन आज के दौर में भी एक ट्रेस करने से कतराती हैं। आज उस हीरोइन के जन्मदिन पर हम बताते हैं उनसे जुड़ी खास बातें। ये हीरोइन है सिमी ग्रेवाल। 1970 में राज कपूर में रिलीज हुई मेरा नाम जोकर में सिमी ग्रेवाल का रोल इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वे कहानी के आधार बिंदु पर घूमती थी। खेत में कपड़े बदलने का सीन हिंदी सिनेमा का सबसे चर्चित दृश्यों में से एक है। 48 साल पहले हिंदी फिल्म की हीरोइन से ऐसे सीन की कल्पना मात्र से शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में इस सीन के पर्दे पर आने से पूरे बॉलीवुड में सनसनी मच गई थी। दिल्ली में पैदाइश, सिमी ग्रेवाल का जन्म दिल्ली में हुआ। सिमी का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ और इनकी पढ़ाई लिखाई न्यूलैंड हाउस स्कूल में बहन अमृता के साथ हुई। 1980 के शुरुआत में सिमी का अफेयर पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो बाद में पंजाब पाकिस्तान के गवर्नर बने सलमान तासीर के साथ लंबे समय तक चला। इनकी शादी रविवार मोहन के साथ हुई, लेकिन इनकी शादी लंबे समय तक चली नहीं और इन्होंने तलाक ले लिया। कुछ यूं गुजरा करियर इंग्लैंड में अपना बचपन बिताने के बाद इनका परिवार इन्हें युवावस्था में ही इंडिया ले आया। इनकी इंग्लिश लैंग्वेज के कारण ही फिल्म मेकर्स ने इन्हें टारजन गोज टू इंडिया फिल्म में एक रोल ऑफर किया। उस समय सिमी महज 15 साल की थी। फिरोज खान के साथ 1962 में सिमी ग्रेवाल की ये डेब्यू फिल्म थी। सिमी को बड़े निर्देशकों जैसे राज कपूर, सत्यजीत रे, मृणाल सेन और राज खोसला के साथ काम करने का मौका मिला। मेरा नाम जोकर और सिद्धार्थ उनकी दो सबसे चर्चित फिल्में रहीं। 1970 के मध्य में इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ यश चोपड़ा की हिट फिल्म कभी कभी में भी काम किया। इसके अलावा सिमी ने चलते चलते में काम किया। फिल्म कज़ में नेगेटिव रोल में सिमी ग्रेवाल सबकी नज़र में आ गईं। जब निर्देशन के क्षेत्र में उतरी 1980 की शुरुआत में इन्होंने लेखन और निर्देशन के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। इन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी सिगा आर्ट इंटरनेशनल बनाई, जिसमें इन्होंने दूरदर्शन के लिए एक टीवी सीरीज इट्स वुमेन वर्ल्ड का निर्देशन, निर्माण और लेखन का कार्यभार संभाला। एक किंकर के तौर पर भी चर्चित इन्होंने टेलीविजन पर वापसी की और स्टार प्लस के टॉक शो इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल में होस्ट बनी, जिसमें इन्हें बॉलीवुड बिजनेसमैन, इंडियन क्रिकेटर्स और मीडिया के नामी लोगों का इंटरव्यू लेना होता था। सिमी ने बीबीसी के डॉक्यू ड्रामा महाराजास के लिए भी काम किया।